नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी लोगों का मेरे चैनल एसटीआर ब्लॉग्स एंड टेक पे दिल से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पे बात करने वाला हूं। जैसा कि मुझे परेशानी हुई थी अपने बैंक अकाउंट को लेकर, तो ये वीडियो इसलिए बनाना ज़रूरी हो गया कि मैं नहीं चाहता कि जैसा मुझे परेशानी हुई है आप सब लोग भी इसी तरीके से परेशान हों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपका बैंक अकाउंट बंद हो गया है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ तो रहे हैं, जमा हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं, बट आप पैसे निकाल दें तो आपके अकाउंट से पैसे निकल नहीं रहे, ना तो एटीएम कार्ड से, ना ही नेट बैंकिंग से, ना ही बैंक के थ्रू। तो ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में अगर आपके पास नेट बैंकिंग है, या फिर अगर एसबीआई का अकाउंट है तो योनो बैंकिंग भी आ गया है। वहाँ पे अगर आप चेक करते हैं तो वहाँ पे एक होता है LIEN, लीन अमाउंट। तो लीन अमाउंट 1 लाख लिखा हुआ आएगा और आपके अकाउंट में जो अभी बैलेंस है वो सब कुछ जीरो दिखेगा, कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, अगर आपके साथ ऐसी परेशानी हो रही है तो मैं तो बिल्कुल ही डर गया था। लीन अमाउंट का मतलब होता है कि आपकी जो अकाउंट में राशि है उसे बैंक अपने कब्जे में रख लेता है, आप उसे निकाल नहीं सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? तो कोई भी साधारण सा इंसान होगा वो इसे देखकर डर जाएगा। तो आप लोग डरिए नहीं, इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं आप लोगों की परेशानी को दूर करूंगा। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि लीन अमाउंट जो होता है, मैंने जब ब्रांच में पता करवाया तो वहाँ से मुझे पता चला कि बैंक अकाउंट जो है वो काफ़ी दिनों से KYC अपडेट नहीं हुआ है। यानी KYC अपडेट कराना ज़रूरी होता है टाइम टाइम पे, बैंक का गाइडलाइंस होता है उसके अकॉर्डिंग। तो KYC डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं हुआ था, इस वजह से मेरे बैंक अकाउंट को लाइन अमाउंट 1 लाख होल्ड कर दिया गया था, जिससे कि ना मेरे अकाउंट से कोई पैसे निकल पा रहे थे, ना ही कहीं मैं ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर पा रहा था, ना ATM कार्ड से, ना ही नेट बैंकिंग से। तो उन्होंने बोला कि आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये 2 डॉक्यूमेंट्स जमा कर दें तो आपका बैंक अकाउंट है वो सबमिट, बैंक अकाउंट जो है वो एक्टिवेट कर दिया जाएगा, चालू कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप ब्रांच में जाते हैं और आपको कोई परेशानी होती है तो मैं आपको बताता हूं कि उसके बाद भी मेरी जो है परेशानी सोल्व हुई कि नहीं हुई सबमिट करने के बाद। तो आप सीधे वहाँ पर ब्रांच के जो मैनेजर होते हैं उनसे बात कर सकते हैं। तो मैंने फॉर्म को सबमिट कर दिया, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है सर, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। तो मैं बड़े मुश्किल से ब्रांच तक पहुंचा और वहां से फॉर्म, KYC फॉर्म लिया और मैंने डॉक्यूमेंट और अकाउंट नंबर की सारी डिटेल्स डाल के फिल करके सबमिट कर दिया। फिर भी उन्होंने बोला कि 3 से 4 दिन में हो जाएगा। मैं फॉर्म को सबमिट करके चला आया, ना कोई रिसीविंग मिली, ना ही कुछ भी मिला। लेकिन 1 हफ्ते हो गए लेकिन मेरा अकाउंट जो है एक्टिवेट नहीं हुआ। फाइनली मैंने सोचा कि अब 1 हफ्ते हो गए हैं तो मुझे फिर से ब्रांच विजिट करना चाहिए, कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है। तो फिर मैं ब्रांच फिर से गया तो वहाँ से मुझे पता चला कि आपका कोई और एक बैंक अकाउंट है किसी और अदर स्टेट में, जो कि स्टेट बैंक में ही है, इस वजह से KYC में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो आप वो अकाउंट नंबर बताएं। तो मैंने वो अकाउंट नंबर उनको बताया और उन्होंने सबमिट किया। फिर से उन्होंने बोला कि आप बैंक मैनेजर जो हैं यहाँ के उनसे मिल लीजिए। तो उन्होंने फॉर्म मुझे वापस से दिया, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने दिए थे और फोटोग्राफ्स लगाकर अपना साइन करके, तो वो फॉर्म दिया और बोला कि बैंक के जो मैनेजर साहब हैं उनसे आप मिलिए। तो मैंने उनसे मिला तो उन्होंने मुझे बताया कि कोई चिंता की बात नहीं है, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन आपका जो है ये बैंक अकाउंट है वो एक्टिवेट कर दिया जाएगा। आपका जो दो ब्रांच में अकाउंट है, यानी अदर स्टेट में भी SBI में ही ब्रांच में अकाउंट है, इस वजह से ये परेशानी हो रही थी ऑनलाइन KYC करने में, वजह से दिक्कतें हो रही थी। फिर मैंने उनसे बोला तो उन्होंने भी मुझे बोला कि 2 दिन का समय लिया, और फिर 2 दिन के बाद फिर से नहीं हुआ तो मैं ब्रांच गया। तो जैसे मैं ब्रांच पहुंचता हूं तो वो मैनेजर साहब मेरा डॉक्यूमेंट जो अपने सामने रखे हुए थे, उन्होंने बोला कि मैं आपका ही काम कर रहा था और करने वाला था। तो मेरे सामने ही फिर उन्होंने थोड़ा सा मुझे वेट करना पड़ा लगभग आधे घंटे, और वहाँ पे मेरा काम हो गया और उन्होंने जो लीन अमाउंट होता है वो भी हट गया और मेरे अकाउंट से ट्रांजैक्शन जो है वो होने शुरू हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसी परेशानी हो तो डरे नहीं,
और आप ब्रांच में विजिट करें, अपने ब्रांच में जहाँ पे आपका बैंक अकाउंट है वहाँ से आपकी जो परेशानी है वो सोल्व हो जाएगी। आई होप कि आपको जो असुविधा हो रही होगी इस वीडियो को देखने के बाद आपकी परेशानी सोल्व हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आप मेरा अच्छा लगे तो एक लाइक करिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लें। मिलते हैं अपने किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।